नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। हिंदुस्तान में माता के कई शक्ति धाम और मंदिर हैं। इनमें से कई तो रहस्यमय और चमत्कारी हैं। यहाँ लोगों को कई करिश्मा देखने को मिलते हैं। शक्ति स्वरूपा माता का एक ऐसा ही चमत्कारिक मंदिर हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है। यह पावन धाम ज्वाला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी दुर्गा के ज्वाला स्वरूप वाले इस पावन धाम में बिना ऑयल बाती के सदियों से लगातार 9 पावन ज्योत जल रही है। माता का यह पावन धाम हिमाचल प्रदेश से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्वाला मंदिर को ज्योता वाली माँ का मंदिर और नगर कोट भी बोला जाता है। माता का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हैरानी की बात तो यह है कि माँ ज्वालामुखी के इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही माता के 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि इस मंदिर में बिना ऑयल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। यह ज्वालाएं सदियों से लगातार जलती आ रही हैं। कई भूवैज्ञानिकों और पुरातत्व विभाग ने इसका रहस्य पता लगाने के प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उनके द्वारा कई किलोमीटर तक की खुदाई करने के बाद भी इसका पता नहीं चल सका। यह ज्वाला आखिर आ कहां से रही है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा सका। माता के इस मंदिर में पृथ्वी से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। सबसे बड़ी ज्वाला को माँ ज्वाला का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ 8 ज्वालाओं को माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माँ हिंगलाज देवी, माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी और माँ अंजी देवी का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी, जिससे माता सती यहाँ पर माँ ज्वाला के रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव यहाँ पर उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। चमत्कार देख अकबर भी यहाँ पर नतमस्तक हो गया था। वहीं एक कथा प्रचलित है कि मुगल बादशाह अकबर ने जब माँ ज्वालामुखी के इस मंदिर की ज्वाला के बारे में सुना, तो वह अपनी सेना के साथ ज्वाला बुझाने के लिए पहुँचा। उसकी सेनाओं द्वारा ज्वाला बुझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाया। बोला जाता है कि माता के इस करिश्मे को देख अकबर नतमस्तक हो गया था और माता के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया था, लेकिन माता ने इसे स्वीकार नहीं किया और वह छत्र नीचे गिरकर धातु के रूप में तब्दील हो गया।